क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ, इट इज समवॉट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4, सिर्फ ये पैरा फॉर्म में दिया है। कौन से फॉर्म में दिया है? पैरा। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड एबीसी लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डेटा। सेल्स 10 लाख का है, पीवी रेशो 37%, एमओएस 25% ऑफ सेल्स। अ डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट कुड चेंज द पीवी रेशो टू 30% एंड एमओएस टू 40% ऑफ द रिवाइज सेल्स। हमें क्या निकालना है? रिवाइज फिक्स कॉस्ट मतलब न्यू फिक्स कॉस्ट, राइट? रिवाइज सेल्स मतलब नए सिचुएशन में क्या सेल्स आएंगे और नए सिचुएशन में क्या ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। समझा क्या? इट इज समवॉट सिमिलर क्वेश्चन। कैसे करोगे? राइट कुछ बोला नहीं है तो हमने क्वांटिटी, देखो ये क्वेश्चन में कैसे करना पड़ेगा, क्वांटिटी लेवल को क्या लेना पड़ेगा? सेम, क्योंकि कुछ बोला। सपोज करंट ईयर में अगर 1 लाख यूनिट सेल हो रहे थे करंट ईयर या करंट सिनारियो में, तो नेक्स्ट सिचुएशन में भी, न्यू सिचुएशन में भी कितने सेल होंगे? 1 लाख यूनिट्स। ठीक है, तो मुझे एक बात बोलो, प्रेजेंट सिचुएशन में सम अप कर लूं क्या? थोड़ा इतनी गरज तो नहीं पड़ेगी बट कर लेते। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8। सो प्रेजेंटली सब लोग अभी यहां पे ध्यान दो, टोटल सेल्स कितना है फिलहाल? 10 लाख रुपए का। क्वांटिटी बोला नहीं है, एक्चुअली उन्होंने क्लाइंट ऐड करना चाहिए था, क्वांटिटी लेवल भी सेम होना चाहिए, एग्जामिनेशन क्वेश्चन एक्चुअली। पर ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि फिक्स कॉस्ट कम होने वाला है और सेलिंग प्राइस भी क्या होने वाला है? कम। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हम यहां पे वापस अज्यूम करते हैं सेल्स क्वांटिटी को, क्या अज्यूम करने का? 1 लाख। तो उस हिसाब से ये आ जाएगा 10 पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो कितना है? 37%। सो कितना आता है ये? 3,70,000। और ये कितना आ जाएगा? 6,30,000 वेरिएबल कॉस्ट। सिक्सटी थ्री आएगा ना। चलो फिलहाल, सॉरी 63% ना, ओके चलो मुझे अभी बात बोलो आगे कैसे कर सकते हैं। फिलहाल एमओएस कुछ बोला है क्या? 25% ऑफ सेल्स। सो अगर मैं फिलहाल ये टोटल सेल्स का एक छोटा सा चार्ट बनाऊं जिसके कितने पार्ट्स? दो, ब्रेक इवन पॉइंट और एमओएस। कितना है ये फिलहाल? 25% ऑफ सेल्स। तो ये हो गया 75% और ये हो गया 100%। सब लोग यहां पे ध्यान दो, टोटल सेल्स कितना है? तो फिलहाल ब्रेक इवन पॉइंट कितना है और एमओएस कितना है? आप कोई भी एक चार्ट यूज करके एक तो फिक्स कॉस्ट ढूंढो या तो प्रॉफिट, कौन सा यूज करोगे? चलो यहां पे एमओएस का यूज करता हूं अभी मैं। एमओएस सेल्स के चार्ट से हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट कितना है वो भी नहीं पता। एमओएस सेल्स कितना आया? 2,50,000। ये 37% है। कितना आता है रे? 92,500। तो प्रॉफिट भी कितना हुआ? 92,500। तो फिक्स कॉस्ट कितना हुआ? 7,500। ये प्रेजेंट सिचुएशन अच्छी तरीके से समअप हो गया। किसी को कोई डाउट है आज तक? देख लो एक बार, आप बीपी सेल्स का चार्ट यूज करके पहले 277,500 भी निकाल सकते थे और फिर प्रॉफिट क्या हो जाता वहां पे? बैलेंसिंग फिगर। नया सिचुएशन इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं।
ये कितना होगा फिर करंट सिचुएशन में? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वुड बी 6.3 पर यूनिट, मानते हो? और ये कितना होगा? 3.7 पर यूनिट। देख लो एक बार। बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। अभी देखो, न्यू सिचुएशन में उन्होंने क्या बोला है, क्या क्या कम होने वाला है? फिक्स कॉस्ट और सेलिंग प्राइस। क्वांटिटी के बारे में कुछ बोला है? नहीं, तो सेम होगा। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कुछ बोला है पर यूनिट? नहीं, वो भी क्या होगा फिर? सेम। सब लोग अभी यहां पे ध्यान दो। फिक्स कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना था? 6.3 पर यूनिट, वो सेम ही रहेगा। क्वांटिटी के बारे में भी कुछ भी बोला नहीं है ना, वो भी हमने क्या अज्यूम किया था? 1 लाख, वो भी सेम ही होगा। तो ये 6,30,000 ही होने वाला है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उसमें कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। पर नया पीवी रेशो 30% होगा ना, उन्होंने बोला है। बोला है क्या? तो उस हिसाब से टोटल सेल्स क्या होगा? देखो, अगर नया पीवी रेशो 30% है तो नया वेरिएबल कॉस्ट रेशो 70% है, क्या होता है फिर टोटल सेल्स? करो। और नया कंट्रीब्यूशन 2,70,000, मानते हो क्या? अभी आगे उन्होंने क्या बोला है? एमओएस का कुछ तो बोला है ना, 40% हो जाएगा ना। तो सब लोग अभी यहां पे ध्यान दो। बीपी और एमओएस, ये 40% होने वाला है नई सिचुएशन में। ये कितना है? 100, तो ये हो जाएगा 60। टोटल सेल्स है अभी 9 लाख, तो एमओएस कितना हो जाएगा? 3 लाख, और ब्रेक इवन पॉइंट 5,40,000। ठीक है, इससे आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट, या फिर फिक्स कॉस्ट भी मिल सकता है। क्या ढूंढोगे? ढूंढना तो दोनों है, ब्रेक इवन पॉइंट से ढूंढता हूँ चलो इस बार। सो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का चार्ट बनाऊंगा मैं अभी, फिक्स कॉस्ट ढूंढ लेता हूँ उससे। सब लोग अभी यहां पे ध्यान दो। ये था 5,40,000। नया पीवी रेशो कितना है? 30%। ये है 70%, और ये है 100%। करो तो 5,40,000 का 30%, 1 लाख, तो वही क्या हो गया आपका फिक्स कॉस्ट। तो नया प्रॉफिट कितना आएगा? पूछा क्या क्या था? नया फिक्स कॉस्ट मैच हो गया, नया सेल्स, नया ब्रेक इवन पॉइंट, सब मैच हो गया ना, समझा क्या? तो अगर कुछ बोला नहीं है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नए सिचुएशन में भी सेम, और कुछ बोला नहीं है तो सेल्स क्वांटिटी भी सेम ही होगा। ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 4, राइट? क्वेश्चन नंबर 4 ही था ना इसके पहले जो देखा। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट और न्यू सिनारियो था, वहां पे प्रेजेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, उस हिसाब से वो क्वेश्चन भी देख लो वापस एक बार। ओके, किसी को कोई भी डाउट है यहां तक तो पूछो। ये क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? न्यू सिचुएशन में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को कैरी करो सेम, एंड सेम सेल्स क्वांटिटी को कैरी करो, तो अपने आप बाकी पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टेक्निकली इतना बड़ा क्वेश्चन है भी नहीं है। ओके, मुझे एक बात बोलो, सीधा न्यू सिचुएशन निकाल सकता था क्या? प्रेजेंट सिचुएशन सम अप करने की जरूरत थी? क्या लगता है आपको? प्रेजेंट सिचुएशन का सिर्फ मुझे क्या चाहिए था? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो आप सीधा सीधा भी लिख सकते थे ना यहाँ पे, ठीक है? पर ठीक है, चलो, एक हमने एक मेथड अभी फॉलो किया है कि प्रेजेंट सिचुएशन को सम अप करके अगले सिचुएशन में कैरी करो उसको, तो ठीक है। किसी को कोई भी डाउट? पूछा क्या क्या था एक क्वेश्चन में फिर? फिक्स कॉस्ट 1,62,000, 9 लाख, बीपी 5,40,000।
नीचे ना एक समरी लिखा करो आंसर्स की, देयरफॉर, या फिर ना इधर बॉक्स करो, उसको समझ में तो आना चाहिए किधर आपने क्या कैलकुलेट किया है। जो भी पूछा है ना उसको क्या करो, बॉक्स, तो वो अच्छे से करो, या फिर नीचे समरी भी लिखो, देयरफॉर आंसर्स क्या क्या थे। किसी को कोई भी डाउट?